कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन से जुड़ी 9 बड़ी खबरें कौन सी हैं? देखिए आपके सामने। दिल्ली में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन लगेगी कोरोना वैक्सीन। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी। यूपी में पहले दिन 31,100 लोगों को लगेगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और झांसी के हेल्थ वर्कर्स लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड पर नक्सलियों की निगाह। छत्तीसगढ़ के बस्तर में वैक्सीन लूट सकते हैं नक्सली। प्रशासन को किया गया अलर्ट। भारतीय बाजारों में फिलहाल नहीं बिकेगी कोरोना की वैक्सीन, नीति आयोग ने साफ किया। ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में तेजी आई है। सरकार ने दवा दुकानों पर भी कोरोना की वैक्सीन बेचने की इजाजत दी। ब्राजील में भारत ने 20,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज मांगी है। टीका लेने के लिए फ्रांस का प्लेन भारत के लिए हुआ रवाना। फ्रांस में अमेरिकी कंपनी फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन लेने वाले 6 लोगों में गंभीर साइड इफेक्ट्स। 4 में एलर्जिक रिएक्शन तो 2 शख्स में धड़कन की समस्या। फ्रांस के ड्रग रेगुलेटर की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। इसराइल में दिखा वैक्सीन का असर। वैक्सीनेशन के 14 दिन के बाद संक्रमण में 50% की कमी आ गई है। कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने को लेकर ब्रिटेन, जापान समेत दुनिया के कई देशों में एक डोज पर काम जारी। रूस मानव परीक्षण को हुआ तैयार। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।